नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू 48 ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आपको होस्ट रोहित अपने भाई करण के साथ। आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक्सक्लूसिव कंटेंट वीडियो लेके आने वाला हूं। आप मेरे पीछे जैसे कि देख सकते हो, दिस इज द ऑल न्यू ग्रैंड आइटन नियोस। स्पोर्ट्स वेरिएंट है। इसकी एक शोरूम की कीमत की बात की जाए तो इट इज 6,91,600 रुपीज। अब इस पैसे में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो हम लोग इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके जो सारे फीचर्स है अच्छी तरह से पता चल जाए। ऐसे ही आपको वीडियोस पसंद आते हैं, डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू 48 ऑटोमोबाइल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप इसका फ्रंट का जो फेशिया है देख सकते हो, पूरी तरह से चेंज हो चुका है, फेसलिफ्ट आ चुका है। इसका जो ग्रिल है बहुत ही अच्छा बड़ा सारा आपको ग्रिल मिल जाता है, ब्रॉड ग्रिल हो गया है पूरी तरह से, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आप जो देखोगे ना, पूरा आपको ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, तो डिजाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है पियानो ब्लैक फिनिश का इस ग्रिल के ऊपर। नेक्स्ट जो है, आपको यहाँ पे जो पहले फॉग लैंप्स आते थे वो अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, अब वो नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको ट्राई एरो जो DRLs दिए गए हैं बहुत ही सुपर दिख रहे हैं, दूर से आपको पता चल जाएगा कि एक नियोस आ रही है। ये बहुत ही अच्छा आइडेंटिटी ऐड कर दिया गया है इसके अंदर, तो बहुत ही सुपर दिख रहा है। अब अगर आप इसका जो हुंडई का जो लोगो है ना वो भी देखोगे, वो भी अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। पहले आपको नॉर्मल क्रोम लोगो आता था, बट अभी आपको थोड़ा एक डल फिनिश, सिल्वरिश फिनिश में एक एल्यूमिनियम फिनिश टाइप में दिया गया है, जो कि काफ़ी सुपर दिख रहा है। नेक्स्ट, अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखोगे तो हेडलैम्प्स रिमेन द सेम, बट स्पोर्ट्स वेरिएंट में अभी आपको यू आर गेटिंग द प्रोजेक्टर सेटअप। पहले आपको नॉर्मल हेडलैम्प्स मिलते थे, बट नाउ इन दिस प्रोजेक्टर सेटअप दिए गए हैं। आपको यहाँ पे साइड में इंडिकेटर्स दिए गए हैं, सो दैट इज व्हाट इट इज फ्रंट से। बाकी तो पूरा लुक आपको सेम ही मिलने वाला है, बट लुक्स वेरी स्मार्ट एंड नाइस नाउ विद दिस न्यू अवतार। अब आप इसका साइड का लुक देख सकते हो। साइड से जो सबसे बड़ा मेजर चेंज आया है वो है ये, इसके अंदर अब आपको 15 इंचेस के टायर्स मिल जाते हैं। पहले स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको 14 इंचेस के मिलते थे, बीच में उन्होंने एक मैग्ना कॉर्पोरेट वेरिएंट कुछ निकाला था उसमें 15 इंचेस दिए थे, बट देन इसके अंदर अब आपको 15 इंचेस मिलने वाले हैं। पर हाँ, एक और एक चेंज हो गया कि पहले आपको अलॉय व्हील मिलता था, अब आपको स्टाइल व्हील्स मिलने वाले हैं, मतलब आपको ये प्लास्टिक का ही मिलेगा मतलब। तो ये एक थोड़ी सी बात है कि मतलब आपको स्टील व्हील्स है, स्टील स्टाइल्ड व्हील्स मिलने वाले हैं। टायर साइज की बात की जाए तो इट इज़ 175/60 R15। ये अच्छी बात है कि 15 इंचेस के टायर्स इसके साथ में काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, और ये जो स्टाइल है ना, दूर से आपको ऐसे लगेगा कि एक अलॉय व्हील ही है, तो वेरी नाइस, दैट इज़ अ बिग थम्स अप। बाकी 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती ही है इसके अंदर। आपको ये ORVM दिए गए हैं, साइड में टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, LED टर्न इंडिकेटर्स, एवरीथिंग एल्स रिमेंस सेम एंड कॉन्स्टेंट। हाँ, आपको रूफ रेल्स दिए गए हैं, तो जिससे इसकी जो एक साइड से लुक है काफ़ी अच्छी आ रही है। इधर पीछे आपको ग्रैंड आइटन की ब्रांडिंग दिख जाएगी, G-I-10। एक और जो अच्छी चीज़ है, पीछे अगर आप देखते हो तो आपको इसके अंदर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। अब आप इसका रेयर लुक देख सकते हो, हाई स्टॉप क्लैंप मिल जाएगा, आपको डिफॉगर मिलने वाला है, वाइपर नहीं मिलेगा इस वेरिएंट के अंदर, स्पोर्ट्स वेरिएंट में। ये जो पूरे जो इसकी लाइट्स है चेंज हो चुकी है, वेरी नाइस लाइट्स मिलती हैं आपको, पूरी LED की लाइट्स, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट्स है। अगेन, जैसे आगे ट्राई एरो लाइट्स दी गई है, पीछे भी वैसे ही सेम ट्राई एरो लाइट्स दी गई है, तो उसको मैच किया गया है। और आपको एक कनेक्टिंग एक लाइट जैसा एक फॉक लाइट दी गई है, मतलब यहाँ पे लाइट्स आती नहीं है, बट देन इट लुक्स लाइक कि एक कनेक्टिंग, अगर दूर से अगर आप देखोगे तो आपको एक कनेक्टिंग से एहसास मिलने वाला है इसके साथ में, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ग्रैंड आइटन की ब्रांडिंग दिख जाएगी आपको, हुंडई की ब्रांडिंग, नियोस की ब्रांडिंग एंड स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग। अगेन, इफ़ यू सी ऑल दिस, ये जो लगाए गए हैं एम्बलम्स, ये सारे आपको डल फिनिश में, एल्यूमिनियम फिनिश में मिलने वाले हैं, दैट इज अ बिगेस्ट चेंज। आप इसका बम्पर भी देख सकते हो, आपको दो रिवर्स सेंसर्स मिल जाते हैं, बम्पर आपको सेम डिज़ाइन में ही मिलने वाला, ज़्यादा चेंजेस है नहीं। अब आपको इसका बूट स्पेस दिखा देते हैं, उसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हो आपको कैमरा दिख जाएगा, तो स्पोर्ट्स वेरिएंट में अब आपको कैमरा भी मिल रहा है। ओके देन, बूट स्पेस एज यूजुअल द सेम बूट स्पेस मिलने वाला है आपको इसके अंदर, 14 इंचेस का आपको टायर मिलने वाला है इसके अंदर, तो स्पेस सेवर्स व्हील मिलता है, दैट इज़ ओके। 14 इंचेस का स्पेयर व्हील मिल जाएगा, टूल किट वगैरह दिया गया है, एंड आपको एक पार्सल ट्रे भी मिल जाता है इसके अंदर। अब आपको इसके डायमेंशंस एंड सेफ्टी फीचर्स आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करते हुए दिख जाएंगे। What it is from the exteriors. अब इंटीरियर में जाके देखते हैं क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं। इंटीरियर में जाने से पहले आप इसकी की देख सकते हो, आपको फ्लिप की मिल जाती है स्टैंडर्ड, लॉक अनलॉक स्विच मिल जाएगा इसके अंदर, एंड बूट ओपनर मिल जाता है। अब ये क्योंकि आपको नॉर्मल की मिलने वाली है। अब आ जाइए अंदर, सेम आपको डुअल टोन इंटीरियर्स दिए गए हैं, 4-door पावर विंडोज मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक स्विच मिल जाएगा, ORVM के कंट्रोल्स दिए गए हैं, डोर ओपनिंग लीवर मिल जाता है जो कि आपको सिल्वर कलर में दिया गया है, बहुत ही अच्छा नीट एंड आपको बहुत ही एक क्वालिटी इंटीरियर्स मिलने वाला है इसके अंदर। स्पीकर वेंट्स दिए गए हैं, कप होल्डर मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाएगा आपको इसके अंदर। अब अंदर जाके आपको दिखाते हैं
इसकी सीटिंग कंफर्ट, बड़े आराम से आके बैठ चुका हूँ मैं इसके अंदर। एक तो जो बढ़िया बात है कि इसकी जो सीट से आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, तो एज पर योर हाइट आप इसको एडजस्ट करके बैठ सकते हो। जो है सीट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड एक और जो अच्छी चेंज हुआ है इस कार के अंदर, आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं एज अ सेफ्टी वाइज, दैट इज़ अ बिग कंसेप्ट। तो जो यहाँ पे सीट्स में ना आपको एयरबैग मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एयरबैग की ब्रांडिंग भी दी गई है। और जो सीट का जो मतलब कपड़ा है, बहुत ही अच्छा कपड़ा दिया गया है, आप देख सकते हो कलर भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसके अंदर। लाइट कलर इस कैबिन के साथ में बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है। थोड़ा आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा इस सीट कवर का, बट देन इट इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड टू टच एंड फील एज वेल, कपड़े का है बट देन वेरी नाइस। और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो आपको लेदराइट फिनिश में दिया गया है थोड़ा। अब दोस्तों आप इस कार का पूरा इंटीरियर देख सकते हो, आपको 3-layer डैशबोर्ड मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सैटिन फिनिश मिल जाती है सिल्वर कलर में, जो कि काफ़ी सुपर दिख रही है। यहाँ पे आपको रोटरी एसी वेंट्स दिए गए हैं, जो कि अगेन लुक्स वेरी नाइस, टर्बाइन जैसे दिखते हैं वो। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मेन आपको इसका मीडिया सिस्टम मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, नेविगेशन, सब कुछ मिलने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक सिस्टम्स आप बोल सकते हो इस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि इसकी जो आवाज़ की क्वालिटी बहुत ही सुपर है। एंड यहाँ पे पूरा आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिश में डिजाइन एलिमेंट दिया गया है, जो कि काफ़ी सुपर दिख रहे हैं। एसी वेंट्स दिख जाएंगे आपको, ऑटो क्लाइमेटिक कंट्रोल मिल जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है, फोन रखने के लिए जगह दी गई है। बेसिक्स सारे अच्छी तरीके से कवर किए गए हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो डीप ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, वो एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी, बाकी तो बाकी सब बढ़िया है इसके अंदर। दो यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए जगह दी गई है। आपका गियर बॉक्स 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है इसके अंदर। IRVM जो कि इंटरनली एडजस्टेबल IRVM है। अब जो मेजर चेंजेस है उसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले आप इसका स्टीयरिंग व्हील देख सकते हो, काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको जो है क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, दैट इज़ अ बिगेस्ट चेंज इन दिस सेगमेंट राइट नाउ, कि आपको इसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है, वो भी स्पोर्ट्स वेरिएंट से, दैट इज़ अ बिग थम्स अप। ये जो हुंडई की जो ब्रांडिंग जो हैच है, हुंडई ब्रांडिंग, ये भी चेंज हो चुकी है। मतलब पहले आपको नॉर्मल पूरा क्रोम में मिलता था, अब डल फिनिश में मिला दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लाइक आई सेड यू अगेन, इसके अंदर भी आपको 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं पूरे इस कार के अंदर। यहाँ पे आपको ऑडियो एंड म्यूजिक कंट्रोल मिल जाएगा, ये जो डिजाइन एलिमेंट दिया गया है सिल्वर कलर का, काफ़ी अच्छा लगता है ये भी। अब आप इसका मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, लेफ्ट में आपको टैकोमीटर मिल जाएगा, बीच में बड़ी सारी MID स्क्रीन मिल जाती है, राइट हैंड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। बाकी ड्राइवर साइड में अगर आप देखते हो तो इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिल जाता है, जो कि पहले नहीं आता था, दैट इज़ अ बिग थम्स अप। हेडलाइट लेवलिंग स्विच मिल जाएगा और फ्यूज़ बॉक्स मिल जाता है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ फ्रॉम द इनसाइड। अब पीछे जाके देखते हैं पीछे से कैसी है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे बैठने के बाद में सबसे जो पहला एहसास आपको होने वाला है वो है स्पेस। ये देखिए कितना अच्छा स्पेस मिल जाता है। ड्राइवर की जो सीट है एज पर माई हाइट ऑफ 5'10" मैंने एडजस्ट की है। अब यहाँ पे जो सीट्स है आपको देख सकते हो ऐसे स्कूप सीट्स मिलने वाली है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको नीरूम मिल जाता है। हेडरूम भी बहुत ही अच्छा है, लेग रूम भी अच्छा मिलने वाला है। एंड यहाँ पे दो लोग बड़ी आराम से बैठ सकते हैं, बाकी एक कोई छोटा बच्चा रहे या कोई पतला आदमी रहे तो 3 लोग इसके अंदर आके बैठ सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। आपको यहाँ पे पीछे एसी वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी पीछे अब आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, दैट इज़ अ बिग थम्स अप। मुझे लगता है अगर 12 वोल्ट के चार्जिंग की सॉकेट की जगह नॉर्मल एक टाइप सी पोर्ट दे देते तो वो भी अच्छा होता था, बट देन ओके इस सेगमेंट में दैट इज आस्किंग फॉर क्वाइट अ लॉट। बाकी यहाँ पे आप विंडोज़ देख सकते हो, बड़े विंडोज़ मिल जाते हैं, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको फील नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये जो मतलब पावर विंडोज़ के स्विचेस है वो भी मुझे थोड़े बहुत चेंजेस लग रहे हैं पहले से, कुछ थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट थोड़ा बहुत चेंज हुआ हुआ लग रहा है। या दैट इज़ व्हाट इट इज़, बाकी तो सब बढ़िया है, नो नॉनसेंस, गुड फैमिली कार। अब आप इसका इंजन भी देख सकते हो, इसके अंदर K1.2 का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 4-cylinder का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट्स। अच्छी माइलेज भी मिल जाती है आपको इसके अंदर, माइलेज जो क्लेम है इसकी अराउंड 2021 के हिसाब से है, तो दैट इज़ गुड, नॉट बैड एट ऑल। तो जी हाँ दोस्तों, यही था इस कार के बारे में, फुल वॉक अराउंड इन डिटेल आपको दे दिया है मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द बैंगलोर ऑडियंस। अगर आपको कार देखनी है, खरीदनी है, यू कैन डेफिनेटली कम डाउन टू अद्वैत हुंडई, उनका एड्रेस इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ड्राइव सेफ, बी रेस्पॉन्सिबल, पीस, बाय। जय हिंद, जय भारत।